वही विकास के बड़े बड़े दावे करने वाली बीजेपी सरकार और उनके निकाय मंत्री जी बहुत ही कमाल है, धमाल है। कमाल कैसे हुआ, आज 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी के नेता माननीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी से मिलने पहुंचे। हालांकि मिलने के लिए उनके पीए साहब को कहा और लगभग आधा पौना घंटा इंतजार के बाद जब हम निकाय मंत्री जी के आगे पहुंचे तब उन्होंने चेहरा देख करके इंटरव्यू देने से मना कर दिया। वो घबराए, सवालों से घबराए और उन्होंने मना कर दिया। भाई हमने उन्हें खड्डा दर्शन क्या करवा दिया, जब उन्होंने राजगुरु मार्केट में कहा था कि शहर में एक भी खड्डे नहीं है, राजगुरु मार्केट में एक भी खड्डे नहीं है। पता नहीं शायद वही बात उनको माइंड में क्लिक कर गई और उन्होंने चेहरा देखते ही कहा कि भाई हम आपको इंटरव्यू नहीं देंगे। हमने कहा सर 9 साल पूरे हो गए हैं, आपको बधाई हो 9 साल पूरे होने पर, तो थोड़ा सा आपकी उपलब्धि बता दीजिए भाई, 9 सालों में आपने क्या क्या कर दिया जनता के लिए वही बता दीजिए। लेकिन मंत्री जी घबरा गए, हड़बड़ाहट में कहने लगे कि नहीं भाई अभी नहीं, अब हम आपको इंटरव्यू नहीं देंगे। हमने कहा कि सर आपके पीए साहब से आधा पौना घंटा बातचीत करने के बाद, आधा पौना घंटा इंतजार करने के बाद आपके पास पहुंचे हैं, अब आप मना मत कीजिए। लेकिन निकाय मंत्री जी अपने ही अहंकार में या कहें या घमंड में कहें या फिर कुछ और कहें कि भाई वो सवालों से डरते हुए नजर आए, घबराए और इंटरव्यू देने से तक भी मना कर दिया। भाई ये है हकीकत, भाई लोकतंत्र में सवाल जवाब देना, जनता के सवालों का जवाब देना एक मंत्री जी का अधिकार होता है और वो अधिकार का वो पालन ही नहीं कर रहे। सवाल पूछना हमारा अधिकार है लेकिन वो जवाब देने से कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। ये देख लीजिए गाड़ी उनकी खड़ी है और अब आधा पौना घंटा इंतजार करने के बाद अब वो मना कर रहे हैं। बड़ी हैरानी की और दुख भरी बात है भाई, 9 साल में ऐसा क्या कर दिया, वही जानने के लिए ही तो पहुंचे थे। लेकिन मंत्री जी को ये अच्छा नहीं लगा और मंत्री जी ने साफ तौर पे मना कर दिया। दोबारा हमने रिक्वेस्ट की सर 5 मिनट, केवल 5 मिनट की बाइट ले लेते हैं आपकी और आप जो है उस बाइट को डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनता को भी पता लगेगा भी आप क्या क्या कहना चाहते हैं, 9 साल में आपने क्या किया। लेकिन मंत्री जी जो है वो टस से मस नहीं, उन्होंने अपनी बात पर अड़े रहे, भाई नहीं आपको नहीं देंगे इंटरव्यू तो नहीं देंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, आप जाइए बाद में बात करेंगे। तो भाई इतना अहंकार किसे होता है, कमेंट करके जरूर बताइए, क्या मंत्री जी का ऐसा व्यवहार शोभनीय है या नहीं है वो भी कमेंट करके बताइए, और क्या मंत्री जी होने के नाते जनता का सवाल जवाब का जवाब देना के अधिकार है या नहीं है वो भी बताइए। हमें अचानक से नहीं गए, फिर मैं आपको बता दूं आधा घंटा इंतजार करने के बाद, आधा से पौना घंटा इंतजार करने के बाद जब हम पहुंचे तब उन्होंने इनकार किया। शायद उनको वो शहर के खड्डे जो है वो याद आ गए कि भाई ये वही व्यक्ति है जिन्होंने शहर के खड्डे दिखाने का काम किया था हमें, तो शायद इसीलिए उनको मिर्ची लग गई और मंत्री जी को मिर्ची इस कदर लगी कि मंत्री जी ने मना ही कर दिया। अब जनता जानती है मंत्री जी कितना अच्छा काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, वो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन इनका ये व्यवहार बहुत ही गलत लगा, बहुत ही अशोभनीय लगा। आपका क्या कहना है कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हरियाणा में ऐसे भी हमारे मंत्री जी हैं जो बातचीत करने के लिए, जनता के जवाब देने के लिए और अपनी उपलब्धि बताने से भी डरते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिए और 9 साल में ऐसा उन्होंने कौन सा तीर मार लिया जिसे वो छुपाना चाहते हैं वो भी बताएं। माननीय निकाय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मीडिया के साथ ऐसा व्यवहार न किया जाए क्योंकि ये बहुत ही अशोभनीय व्यवहार है, और इस व्यवहार पर आपका क्या कहना है कमेंट कीजिए। फिलहाल अंदर बैठे हुए हैं, अब अधिकारियों को भी बुला लिया है भाई मीटिंग कर लेते हैं ये कह करके, लेकिन जिस तरीके से उन्हें व्यवहार किया बहुत ही गलत व्यवहार लगा। आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। भाई निकाय मंत्री जी ने बातचीत करने से लिए 9 साल का अपना अपने जो है विकास दिखाने के लिए भी मना कर दिया, हैरानी की बात है भाई। अभी वो विकास बताने के लिए मना कर रहे हैं तो समझ सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कौन सा विकास किया होगा। तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो आज भी अटके हुए हैं, बहुत सी घोषणाएं उनकी ऐसी हैं जो आज भी अटकी हुई हैं, बहुत से ऐसे वादे हैं जो आज भी अटके हुए हैं, वो सभी तो हम खैर पूछना ही नहीं चाह रहे थे, हम तो उनकी उपलब्धि जानना चाह रहे थे, लेकिन उपलब्धि जानने के लिए भी उन्होंने मना कर दिया।
आपका क्या कहना है कमेंट करें, कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए मंत्री जी के इस रवैये पर, इस बौखलाहट पर, इस सवालों के जवाबों से बचने के बारे में आपका क्या कहना है। और उनके तो प्रेस सचिव का तो ये भी कहना है, जो प्रेस प्रवक्ता है गोयल धूप वाले, कि भाई आप ही की गलती है सर, आप क्यों इंतजार किया, आप क्यों मंत्री जी से एक दो दिन पहले क्यों नहीं आपने समय लिया, भाई दो दिन पहले इंतजार करके आपने क्यों टाइम नहीं लिया। हैरानी की बात है, जब आधे पौने घंटे से हम यहाँ पर बैठे हैं और मंत्री जी के पीए साहब को बता दिया है, फिर भी अगर वो बातचीत नहीं करेंगे तो भाई ये तो वाकई में ही बहुत ही दर्दनाक बात है। आपका क्या कहना है कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा ज्यादा दूर तक पहुंचाएं। मंत्री जी बसे सवालों के घेरे से बचना चाह रहे थे, और सवालों के घेरे क्या, मैं तो सिर्फ उनकी उपलब्धि जानना चाह रहा था, लेकिन उपलब्धि बताने से भी डरे मंत्री जी, आखिर क्यों? कमेंट करें, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।